आज थाना सैया की टीम ने वर्ष 2014 से वांछित अभियुक्त और 20,000 रुपये का इनामी अभियुक्त यमनेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह अभियुक्त इस पर 366 IPC का मुकदमा 2014 जनवरी में लिखा गया था। उनके द्वारा अपने ही गांव के एक लड़की को भगाकर ले गया था और तब से ही फरार चल रहा था। हमारी टीम ने पूरी छानबीन करते हुए उनकी पूरी डिटेल निकालने के उपरांत जो है उसकी गिरफ्तारी कर ली है। पीड़िता को बरामद कर लिया गया है। माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर उनके बयान कराए जाएंगे और आगे की पूरी कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ये जो अभियुक्त है ये पढ़ा लिखा MSc एग्रीकल्चर है और यहाँ से फरारी के दौरान छत्तीसगढ़ के नक्सल अफेक्टेड एरिया में जाकर खेती का कार्य कर रहा था। खेती की दुकान, जो खेती सामग्री की दुकान है, उसको चला रहा था और वहीं पीड़िता के साथ रह रहा था। और इसके इस अभियान के दौरान उसकी छानबीन करते हुए पीड़िता को सकुशल बरामद करते हुए इस अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। आज हम सीखेंगे बाजार जाना। सबसे पहले नाक मुंह को मास्क या कपड़े से ढकें, प्लास्टिक की वही चप्पलें पहनें जो आपने सिर्फ बाहर आने जाने के लिए रखी हैं। सामान लाने के लिए प्लास्टिक की बाल्टी और साथ में 70% अल्कोहल वाला छोटा सैनिटाइजर रख लें। अब घर से बाहर निकलें, बाहर अनावश्यक कुछ ना छुएं, बाजार में सबसे 6 फुट की दूरी बनाकर रखें और हाँ, ATM इस्तेमाल करने से पहले ATM का कीबोर्ड सैनिटाइज करें, पैसा निकालकर कार्ड को भी सैनिटाइज करें, खरीदे हुए सामान को बाल्टी में डालकर घर लौटें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें बाजार जाने के नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।